स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो एक घटना से शुरू हुआ। मेरी एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि बहुत जल्दी मैं हो रही हूँ 26 साल की, तो जीवन के 25 साल कंप्लीट कर लिए, उसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मैं करना चाहती हूँ, सो होप यू बी फ्री। उन्होंने कुछ डेट लिखी थी, तो उसको पढ़ के मुझे पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्होंने मतलब ये लिखा था कि जीवन में एक ही बार होती है ये घटना, दैट यू आर एंटरिंग, यू आर एंडिंग दैट सेक्शन ऑफ योर लाइफ। 25 साल जी लिए, अब नेक्स्ट सेक्शन ऑफ लाइफ जहाँ से करियर फैमिली की शुरुआत होती है, तो आई एम एंटरिंग इन टू दैट जोन एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट। सो सेलिब्रेटिंग लाइफ, मुझे इस पर लगा कि हम कितना पोस्टपोन करते हैं ये सेलिब्रेशन। हाँ, उनकी ये बात बिल्कुल सच थी कि जीवन में ये घटना एक ही बार होगी कि मैं 25 साल ख़त्म करके इस नए साल में एंटर करूँगी। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो जीवन में हर एक घटना, हर एक दिन, हर एक क्षण ऐसा है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो तो गुजर रहा है, वो तो कभी नहीं आएगा। दैट इज़ वाई वी नीड टू सेलिब्रेट एवरी डे, एवरी थिंग, एवरी मोमेंट। जैसे उनको लगता है कि 25 साल ख़त्म हो गए, ये घटना जीवन में एक ही बार होती है, तो जीवन में हर एक घटना ही पहली बार होती है। चाहे आज आपने चाय बनाई, चाहे अभी मैंने ये वीडियो बनाया, चाहे अभी आपने ये वीडियो सुना, चाहे अभी आप कुछ काम करने जा रहे हैं, चाहे आप खाना खाने जा रहे हैं, चाहे आज आपकी कोई बिजनेस ड्रील है, चाहे आप किसी से मिलने वाले हैं, तो वो सारी की सारी घटना शायद पहली बार ही हो रही है, और उनमें से कई घटना ऐसी हैं जो जीवन में शायद आखिरी बार हो रही है। तो हम ऐसी जो माइलस्टोन है उसका वेट क्यों करते रहते हैं 25 साल, 30 साल, 50 साल। बर्थडे अगर साल में जिस दिन आता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि चलो एक साल हो गया, वाई डोंट वी सेलिब्रेट एवरी सिंगल मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो क्षण अभी मेरे सामने है, जो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ वो ख़त्म होने वाली है, वो जा रहा है, वो भूतकाल बन रहा है, वो हो चुका है। इस क्षण से 2 मिनट पहले की क्षण भी ख़त्म हो चुकी है। दिस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन हम सब के लिए टू सेलिब्रेट अवर लाइफ डेली। जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी फ्रेंड की जिसने मुझे बोला कि ये तो जीवन में एक ही बार होता है, तो इसको बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना बनता है, तो मैं सेलिब्रेट करूँगी। मेरा ख्याल है उसने मुझे बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया कि जीवन में सिर्फ 25 साल ख़त्म करके 26 ईयर में एंटर करना एक बार नहीं होता है, हर एक चीज़ जो आप कर रहे हैं वो शायद एक ही बार हो रही है। जिस तरह का खाना आप बना रहे हैं वैसा आप दोबारा नहीं बनाएंगे, वो टेस्ट उस तरीके से उस दिन उस तारीख को दोबारा नहीं बनाने वाले। जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उसी इंसान से शायद आप दोबारा बात करेंगे, लेकिन उस तरह की नहीं करेंगे। आज आप नहाने जाएंगे लेकिन उसी तरह से दोबारा नहीं नहाएंगे। तो हम अपने रूटीन को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी खुशी मना सकते हैं, ये जान के कि जो भी क्षण है उसको हम जी ले, क्योंकि ये जाने वाला है और ये सारे के सारे चीज़ें बस एक ही बार होनी है। तो क्यों ना इसे खुल के जिए, सेल्फ लव से, ग्रैटिट्यूड से, प्यार से भर के जीवन का हर एक क्षण हमारे लिए सेलिब्रेशन हो, माइलस्टोन हो, ये सोच के हो कि ये दोबारा नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार होना है, इसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। और अगर हम ये सुबह सुबह बोलेंगे कि आज का दिन एक ही बार आया है और उसको खुल के दिल से जी लेंगे पूरी तरह से, तो हर दिन हमारा कितना खूबसूरत होता जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।